नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज। कई बड़ी खबरें बेसिक शिक्षा विभाग से। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी खबर, संदीप सिंह जी को बनाया गया बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश। दूसरी बड़ी खबर, अंधेशक शिक्षा मित्रों ने भेजे मुख्यमंत्री जी को बधाई संदेश। खबर तीसरी, अंधेशकों ने 9 वर्ष एवं शिक्षा मित्रों ने 20 वर्ष किया है बेसिक शिक्षा विभाग में अतुलनीय कार्य। संविदा शिक्षकों को उम्मीद, भला होगा उनका नई शिक्षा नीति में। अब खबर विस्तार से। साथियों, यहाँ पर बताना चाहेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह बने हैं नए बेसिक शिक्षा मंत्री। बता चाहेंगे ये पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी के पौत्र हैं और इनको उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री बेसिक बनाया गया है। चर्चा करते हैं इनके जीवन पर। संदीप सिंह लोधी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार विधायक, अरतरौली अलीगढ़, शिक्षा स्नातकोत्तर, संपत्ति रुपए में 7.46 करोड़। विवरण, दूसरी बार मंत्री बने हैं। पिछली सरकार में वे शिक्षा व वित्त राज्य मंत्री थे। लंदन की लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है इन्होंने। आपको बताना चाहेंगे इनके दादा स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी अपने समय में 10 बार विधायक रहे थे, जो कि एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं। 2 बार वो मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल रहे। पिता राजवीर सिंह एटा से वर्तमान में सांसद हैं। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हो, एक दूसरे को प्रथम बार बनने पर मुख्यमंत्री अभिवादन करते हुए विपक्ष के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एवं मुख्यमंत्री वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी एवं साथ में सुरेश खन्ना जी। साथ में यहाँ पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, मैं आपको पूरा पढ़कर बताऊंगा उस मैसेज के बारे में। अंधेशक नियमितीकरण क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान साथियों, यथोचित अभिवादन। उत्तर प्रदेश के 13,769 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जुलाई 2013 से कार्यरत समस्त अनुदेशक साथी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी व विकास खंड कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारी गणों से निवेदन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दृष्टिगत रखते हुए अनुदेशक नियमितीकरण हेतु मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी, माननीय सांसद अब्लिक विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित करें। ज्ञापन की प्रति शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ये सूचना वायरल हो रही है। ज्ञापन 1 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक प्रदेश के समस्त जिलों में निम्नलिखित माध्यम से प्रेषित करना है। पहले नंबर पर हमारे प्रत्येक ज़िले से अनुदेशक भाई बहन जिलाधिकारी को दे सकते हैं अपना ज्ञापन। उसके बाद माननीय सांसद आपके क्षेत्र के हैं उनको दे सकते हैं और माननीय विधायकों को भी अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश से विक्रम सिंह ने ये सभी से अपील की है। साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मित्रों को लाभ मिलने के संकेत में शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर। ये पीलीभीत से खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये खबर। शहर के रामलीला मैदान पर शिक्षा मित्र अनुदेशक शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षा मित्रों के समायोजन किए जाने पर विचार विमर्श किया गया है। शिक्षा मित्रों ने भाजपा बीजेपी के राज्य और केंद्र सरकार पर भरोसा जताया है और उन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। शिक्षा मित्र जिलाध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होगी, हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी होने के बाद शिक्षा मित्रों को लाभ हो सकता है, लाभ मिल सकता है। शिक्षा मित्रों को समायोजन की दिशा में राज्य सरकार कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। जिला महामंत्री विनय पांडे ने कहा कि शिक्षा मित्रों का सरकार पर पूर्ण विश्वास है और कुछ ना कुछ सरकार उनके हक में ज़रूर फैसला लेगी।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। शिक्षा मित्रों की आयु अधिक हो चुकी है, यहाँ पर उनका कहना है, जो कि 50 वर्ष से 55 वर्ष होने जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों ने 22 वर्षों से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों में सेवा की है और 1 अप्रैल से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इससे शिक्षा मित्रों को समायोजन बहाल हो सकता है और ये उम्मीद जताई गई है शिक्षा मित्रों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में। तो साथियों, यहाँ पर बताना चाहेंगे, एक उम्मीद बाकी है अनुदेशक शिक्षा में समस्त संविदा कर्मियों के मन में कि अब नई शिक्षा नीति लागू है तो कुछ ना कुछ अवश्य अच्छा होगा, क्योंकि कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। साथियों, कहना है कि जब तक आप उम्मीद बनाए रखते हैं तब तक आप सच में ज़िंदा रहते हैं। तो उम्मीद कायम रखें, वक्त का इंतज़ार करें। नई शिक्षा नीति 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।